press the bell icon on the YouTube app and never. कल तक पाकिस्तान से लेकर के सीरिया से लेकर के अफगान से लेकर के अरब से लेकर के जो एक एक अफवाह उड़ाई गई थी असदुद्दीन अवैसी के और कांग्रेस के माध्यम से कि भारत में मुसलमान जो हैं वो अत्याचारित हो रहे हैं, अब ये बात तो समझ में आ चुका है कि भारत के 18 करोड़ मुसलमान जो हैं वो संविधान मानने को ही तैयार नहीं है। जी, जो फॉरेन कंट्री में लैंड ऑफ लॉ को सारे सारे लोग मानते हैं, वहां भी निकाह पढ़ा जाता है, बिल्कुल पढ़ा जाता है, वहां भी लोग ईद और बकरीद मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं, लेकिन वो कंट्री अपने कानून का उल्लंघन मुसलमानों को करने नहीं देता है, सख्त से सख्त सजा देता है, अपना कानून वो चलाता है। अब आती है दूसरी बात कि क्या शरिया कानून कॉडिफाइड है? नहीं। क्या शरिया कानून को एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। क्या वक्फ बोर्ड एक्ट को एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। हमें बाद में, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, तो हमें बाद में मुल्ला का शरिया एक्ट ला करके पढ़ना पड़ता है, पर एग्जाम शरिया लॉ का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जो अभी पढ़ रहे हैं अगर उनसे भी आप पूछिएगा तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होगी दबंग वकील और हम सब की चहेती नाज़िया अली खान जी, जो कि ना सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि ये जो शांति दूत हैं, जो लैंड माफिया बन के बैठे हैं, इनको भी एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रहा है, ये जो महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का मुद्दा है उस पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने 2 दिन पहले की थी जिसमें महिलाओं को भी बिठाया था, महिलाएं भी कह रही थी शरिया के खिलाफ है। तो महिलाओं को डरा धमका कर ही अपने वश में कर लेते हैं, और मुस्लिम महिलाएं शायद अपने अधिकारों के बारे में जानती नहीं है इसलिए उनकी बातों में आ जाती हैं। और अब तो महिलाएं सामने आके कह रही हैं कि तो शरिया के खिलाफ है, हम कैसे ले लेंगे भत्ता, वो तो शौहर ही नहीं रहा तो किस नाते उससे पैसा लिया जाए। देखिए, एक चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब देश के लोगों को और बाहर अरब के मुल्कों को, मुस्लिम कंट्रीज को, इवन जो फॉरेन कंट्रीज है उनको भी समझ में आ चुका है कि भारत में संविधान वर्सेस शरिया तो चल रहा है। कल तक पाकिस्तान से लेकर के सीरिया से लेकर के अफगान से लेकर के अरब से लेकर के जो एक एक अफवाह उड़ाई गई थी असदुद्दीन अवैसी के और कांग्रेस के माध्यम से कि भारत में मुसलमान जो हैं वो अत्याचारित हो रहे हैं, अब ये बात तो समझ में आ चुका है कि भारत के 18 करोड़ मुसलमान जो हैं वो संविधान मानने को ही तैयार नहीं है। जी, जो फॉरेन कंट्री में लैंड ऑफ लॉ को सारे सारे लोग मानते हैं, वहां भी निकाह पढ़ा जाता है, बिल्कुल पढ़ा जाता है, वहां भी लोग ईद और बकरीद मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं, लेकिन वो कंट्री अपने कानून का उल्लंघन मुसलमानों को करने नहीं देता है, सख्त से सख्त सजा देता है, अपना कानून वो चलाता है। अब आती है दूसरी बात कि क्या शरिया कानून कॉडिफाइड है? नहीं। क्या शरिया कानून को एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। क्या वक्फ बोर्ड एक्ट को एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। हमें बाद में, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, तो हमें बाद में मुल्ला का शरिया एक्ट ला करके पढ़ना पड़ता है, पर एग्जाम शरिया लॉ का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जो अभी पढ़ रहे हैं अगर उनसे भी आप पूछिएगा तो वो कहेंगे कि हमारी बुक में शरिया कानून नाम का कोई किताब नहीं है, कोई चैप्टर नहीं। हाँ, कोई चैप्टर नहीं। अब बात आती है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि शरिया कानून बहुत खूबसूरत है तो कॉडिफाइड कर दो, दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत तो कहीं पर आ नहीं रही है। अब आती है बात कि हमेशा से भारत के कोर्ट को मुसलमानों ने कंफ्यूज करके रखने की कोशिश की है। जैसे ही कोई मुसलमान लड़की वोकल होती है, ये न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका और फिर इंटरनेशनल कोर्ट की धमकी दे करके ये मुसलमान बेटियों को डराते हैं कि देखो हम तुमको कहां कहां कटघरे में खड़ा करके तुमको बेइज्जत करेंगे। आपने जिन महिलाओं की बात कही है, वो महिलाएं आप गौर कीजिएगा या सर्वे कीजिएगा कि वो महिलाएं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई,
आप एक सिंपल साधारण लड़की से अगर बात कीजिएगा जो तलाक की विक्टिम हो चुकी है, जो हलाला की विक्टिम हो चुकी है, जो मसियार की विक्टिम हो चुकी है, जो मुत्ता की विक्टिम हो चुकी है, वो कहेगी कि ये कानून बहुत अच्छा आएगा। आखिर गई थी कोर्ट के अंदर तो मुसलमान लड़की ही ना, तीन तलाक बैन कराने के लिए तो मुसलमान बेटियां ही गई थी ना, कोई हिंदू बेटी तो जाकर के खड़ी नहीं हुई कि मुसलमान में ये चीज रिफॉर्म होना चाहिए। अब आती है चौथी बात अर्जुन जी कि शरिया कानून किसी प्रॉफेट मोहम्मद का तो लिखा हुआ नहीं है, शरिया कानून किसी वो 25 प्रॉफेट जो अल्लाह तबारक ताला के बहुत करीब हुआ करते थे, जो जिनका जिक्र अल कुरान में, उनका लिखा हुआ तो नहीं है, बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है। ये शरिया कानून तो 1936 में जिन्नों और अंग्रेजों का लिखा हुआ है, हम क्यों मानेंगे जिन्ना का शरिया कानून, हम क्यों मानेंगे अंग्रेजों का कानून शरिया कानून। अगर वाकई में शरिया कानून अल कुरान की किताब से लेकर के लिखा हुआ है तो लेकर आओ पार्लियामेंट, लेकर आओ सर्वोच्च न्यायपालिका में, कॉडिफाइड कराओ और कहो कि महिलाओं पर शरिया कानून चलेगा तो इस्लामिक पनिशमेंट पुरुषों पर भी चलेगा। ठीक है, अब आती है इसकी पांचवी बात ये आती है कि ये लोग शरिया के हिसाब से मुस्लिम महिलाओं को अंडर डिक्टेटरशिप रखते हैं और अपना कारोबार चलाते रहते हैं औरत को एड़ी के नीचे दबा करके। ऑन दी अदर हैंड इसी शरिया कानून और इस्लामिक कानून के जस्टिफिकेशन पर ये धड़ल्ले से न्यूडिटी और क्राइम करते हैं। अब कैसे करते हैं इसकी मैं सिर्फ तीन मिसालें आपको दूंगी। आप अगर आपके हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सारे धर्मों को हम उठा करके लेकर आते हैं एक्सेप्ट मुसलमान धर्म, कोई भी अगर 12 साल, 11 साल, 9 साल, 16 साल, 17 साल की लड़की से अगर शादी करता है, उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो पॉक्सो में जाता है, जेल जाता है, जिसमें 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से पॉक्सो एक्ट में बेल पिटीशन एक्सेप्ट करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, लेकिन शरिया कानून के जस्टिफिकेशन पर पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। चाइल्ड मैरिज, अवेसी साहब सांसद है, चलिए इस बार तो मुसलमानों ने उनके तीन सांसद नहीं चुने, एक ही चुना है गया है अवेसी, और वो संसद में सांसद होकर के क्या नारा लगाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, मतलब चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन और उल्लंघन हो रहा है। अब आती है तीसरी बात कि अगर कोई हिंदू से ईसाई बौद्ध जैन कोई भी एक बीवी होते हुए दूसरी बीवी रखता है तो 7 साल के लिए जेल जाता है, लेकिन इसी शरिया कानून के जस्टिफिकेशन पर पॉलीगेमेशन एकदम धड़ल्ले से होता है, 4 बीवियां रखता है और सीधा विक्टिम कार्ड खेलता है, मेरे तो इस्लाम में इसलिए हम रखे हैं। तो ये वायलेशन और क्रिमिनल एक्टिविटीज और ये न्यूडिटी करने के लिए शरिया को इनको लेकर चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मुसलमान वोकल और संवैधानिक औरतों को डराने का इनका कारोबार, और साथ साथ थूक जिहाद, लैंड जिहाद, उसके बाद फिर वोट जिहाद, उसके बाद रेप जिहाद, उसके बाद गला रेतो जिहाद, उसके बाद झूठ बोलो जिहाद, उसके बाद फिर डराओ जिहाद, उसके बाद हिंदुओं का मुंह बंद कराओ जिहाद, उसके बाद न्यायपालिका के पास विक्टिम कार्ड खेलो जिहाद, उसके बाद पैसा लूटो जिहाद, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा करके पैसा उनसे लो जिहाद, ये जिहाद का भी तो सिनेरियो चल। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने न सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि ये जो शादी दूत है जो हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करते हैं और लैंड माफिया बन के बैठे हैं उनको भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।